तो ये जो लिस्ट है जो है 18/3/2021 को डली थी, ये सेकंड लिस्ट है टीजीटी इंग्लिश की। ये जो लिखा हुआ है ये मैंने पहले इसके वीडियोज में बहुत समझा दिया है, तो उसमें आप समझ सकते हैं क्या लिखा है। ये जो लोग जिनका नाम है उनके बारे में लिखा है, ठीक है जी। साक्षी कल्याण, इनकी 75.39 बनी है। जोगा बाई GG SSS मतलब गवर्नमेंट गर्ल्स सीनियर सेकेंडरी स्कूल, ठीक है। बाकी इसको आप कॉपी करके इसका एड्रेस ये कहाँ पे है वो आप देख सकते हैं, ये आप इनमें नाम पढ़ सकते हैं। बाकी EDUDEL साइट पे जाके आप पब्लिश सर्कुलर जो राइट साइड में होता है उसमें जाके डाउनलोड कर सकते हैं, और प्रिंट निकलवाना है पहले पेज का जिसमें वो लिखा है वो पेज, और मतलब ये पेज है जो लेके जाना है, क्योंकि इसमें नोटिस होता है, वो सारी डिटेल्स होती हैं कि कौन सा पब्लिक नोटिस है, कब डला था, 25/11/2020 को रिगार्डिंग ड्रॉइंग, 8/12/2020 को ऐसे फिल हुए थे, ठीक है। इसलिए लेके जाना है वो, और जिसमें नाम आता है वो, और एक लास्ट वाले दो पेज, तो चार पेज लेके जाना है, प्रिंट आउट लेके जाना है जो फॉर्म भरा था। तो उसमें कैंडिडेट जनरल के 122 लिए हैं, सीवीटी सिंह, सीवीटी सीवीटी का नाम है इसमें, और यमुना विहार ब्लॉक सी इनको मिली है 73.66 की है। OBC सोनम 70.15 ये इनको स्कूल मिली है, ठीक है। ऐसे आप और देख सकते हो, आपने नाम इसमें भी देख सकते हो, बाकी डाउनलोड तो करना है ही आपको पब्लिक सर्कुलर में जाके EDUDEL साइट पे EDUDEL ऐसे लिख देना है। मनीषा यादव लास्ट हैं, इसमें 81 लिए हैं OBC में, तो 76 इनकी बनी है, 68.99 चितरंजन पार्क GGB बॉयज स्कूल मिली है इनको। SC उर्वशी भडेला कृष्णा नगर 69 पहला नाम है इनका SC में। फिर लास्ट टाइम मानसी सवाई 68.18 मतलब 68.18, ठीक है। वेस्ट पटेल नगर ये इनको स्कूल मिली है। ST कैटेगरी में सुमन मीना 63.35 पहला नाम है, वेस्ट ज्योति नगर GB SSS, ठीक है जी। और इसमें कैंडिडेट्स लिए हैं 32, सुनील मीना लास्ट इनकी 60.31 ढाका GB SSS EWS, निधि 66.75 नंद नगरी जनता फ्लैट्स, ठीक है जी। फिर बंडेना बेरा 64.28 मैरोली कुताब, ठीक है। PWD में अवधेश कश्यप 62.88 आनंद विहार SBV, ठीक है। और दीपिका चौधरी 61.061 स्टॉप लोनी रोड DDA फ्लैट्स GB SSS। प्रिंट आउट लेके जाना है, फॉर्म भरा जो इसका 4, और सब पे फोटो वो कर लेना, सेल्फ अटेस्टेड, और 10th मार्कशीट, डेट ऑफ बर्थ दिखनी चाहिए जिसमें, बारीक मार्कशीट, ग्रेजुएशन मार्कशीट, एवीआर के डिग्री या प्रोविजनल सर्टिफिकेट, वैसे डिग्री लेके जानी है लेकिन नहीं उपलब्ध हो तो प्रोविजनल, बीएड की मार्कशीट विद डिग्री या प्रोविजनल, SC ST स्टेट से इश्यूड होना चाहिए, सेंट्रल से हो तो भी अच्छी बात है, और OBC का है तो इसका सेंट्रल से होना चाहिए, JNCT दिल्ली से होना चाहिए मतलब। और डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट, वैलिड सीटेड सर्टिफिकेट, क्रिमिलियर 2 फोटोग्राफ्स, फोटो आइडेंटिटी प्रूफ, एड्रेस प्रूफ, मूल निवास, ठीक है। 7 दिनों में आपको जाना है, ये यहाँ पे ये लिखा है, और ये परमानेंट ज्वाइनिंग है नहीं है, लेकिन 4-5 साल आप कर सकते हो ये ड्यूटी, ऐसा कोई इशू है नहीं, ठीक है। ये योगेश जैन जी हैं जो असिस्टेंट डायरेक्टर हैं, जो कि कहाँ EPI में बैठते हैं, और बाकी इनकी ऑफिस मेन ब्रांच है जो शिक्षा निदेशालय की वो है विधानसभा, और उनके जो शिक्षा निदेशालय के जो मेन निदेशक हैं वो हैं उदित राय, उदित प्रकाश राय IAS, ठीक है। धन्यवाद, सारी डिटेल समझा दी, कोई इश्यू हो तो कमेंट नंबर आ गया हो तो बताइए आपको, और बाकी आप खुशी भी जाहिर कर सकते हो कमेंट में, और वीडियो अच्छा लगा तो लाइक, और बाकी आप इसको शेयर कर देना और लोगों तक जानकारी पहुँचे, और जानकारी अच्छी लगी हो तो, और ऐसी जानकारी चाहिए गेस्ट टीचर्स रिलेटेड या टीचिंग से जॉब संबंधित इसमें नहीं आया हो तो, और ऐसे में डालता रहता हूँ वीडियो, और अदर वैकेंसी रिलेटेड भी वीडियो डालता रहता हूँ, तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बड़ी मेहरबानी होगी आपको, आपकी धन्यवाद, थैंक्स एवरीवन।